हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी को कैसे क्रिएट करते हैं और उसे अपने गोडाउन में कैसे स्टोर करते हैं और कैसे दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो आइए उसके लिए हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद आपको स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन, ये दो ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, ठीक है। F11 प्रेस करने के बाद देखिए आपको अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और टैक्सेशन दिख रहा होगा, तो हम लोग दूसरे नंबर पे आ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर में आने के बाद देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन और मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, ये दो ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको यस कर देंगे। यस करते ही कंट्रोल से सेव करेंगे, स्किप से बैक आएंगे, तो आपको स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन ये दो ऑप्शन दिखने लगेगा, ठीक है। गोडाउन हम लोग यहीं से क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने पहले से दो गोडाउन क्रिएट कर रखे हैं, एक है इलाहाबाद, ठीक है, और दूसरा है लखनऊ, ठीक। तीसरा ये मेन लोकेशन वाला गोडाउन आप में ऑलरेडी क्रिएट रहेगा, ठीक है। आइए अब हम लोग बनाते हैं स्टॉक ग्रुप। हमने ग्रुप बना लिया टेलीविजन, ठीक है, एक्सेप्ट करा लेंगे। टेलीविजन में कैटेगरी बना लेते हैं सैमसंग और सोनी, ठीक है, ये दो कैटेगरी बन गई। अब स्टॉक आइटम भी बना लेते हैं। स्टॉक आइटम में जैसे ही क्रिएट में आएंगे, अब यहां पे हमने लिखा सैमसंग 22 इंच, ठीक है। पूछेगा कि ये किस ग्रुप में जाएगा, तो हमने कहा सैमसंग में, नहीं पूछेगा किस ग्रुप में जाएगा, हमने कहा टेलीविजन में। पूछेगा किस कैटेगरी में जाएगा, हमने कहा सैमसंग में, यूनिट पीसेस, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे क्वांटिटी, हमने कहा 20। अब देखिए जैसे ही आपने क्वांटिटी डाला, आपसे गोडाउन पूछेगा, तो हमने कहा इलाहाबाद गोडाउन में स्टोर करेंगे। रेट दे देते हैं 20,000, एक्सेप्ट, ठीक है। दूसरा बना लेते हैं सैमसंग 32 इंच, इसका भी ग्रुप हमारा टेलीविजन ही रहेगा, ये भी सैमसंग की टीवी है, पीस इसको 10 पीस करते हैं, गोडाउन इलाहाबाद में ही रखूंगा, 10,000, ठीक है। अब सोनी का बना लेते हैं, सोनी 50 इंच, ये भी टेलीविजन है, कैटेगरी सोनी है, पीसेज में रहेगी, क्वांटिटी 10 पीस, इलाहाबाद गोडाउन में ये भी, और ये रहेगी 54,000 की, ठीक है। आइए हमने तीन आइटम बना लिया, ठीक है, और तीनों आइटम को इलाहाबाद गोडाउन में रख लिया है। अब हमने क्या कहा था कि कैसे इसे ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों फिर हम आएंगे बैक टू गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में जैसे ही इंटर करेंगे, स्टॉक जर्नल का आपका इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों, स्टॉक जर्नल, ठीक है। तो अब देखिए एक तरफ सोर्स लिखा है, एक तरफ डेस्टिनेशन, कि सोर्स मतलब आपका पहले से वो आइटम कहाँ स्टोर है और डेस्टिनेशन मतलब आपको वो कहाँ भेजना है, ठीक है। आइए दोस्तों हम यहाँ पे स्पेस बार कर देंगे ताकि नेम ऑफ आइटम आ जाए। हमने कहा सैमसंग 22 इंच, फिर स्पेस बार। अब ये देखिए इलाहाबाद में आपका 20 पीस दिख रहा है, ठीक है, तो हम इलाहाबाद ले लेंगे। अब या तो पूरा 20 पीस ट्रांसफर कर दें या फिर 15 पीस, हमने कहा 15 पीस कर देते हैं, रेट अपने आप आ जाएगा। फिर स्पेस बार करेंगे, फिर दूसरा ले लेंगे सैमसंग 32 इंच, इलाहाबाद गोडाउन में ही है, ले लेंगे 5 पीस, इसको ट्रांसफर कर देंगे, रेट आ जाएगा। फिर सोनी ले लेंगे, ठीक है। अब इतना इंटर करने के बाद हम आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे वही आइटम लेंगे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था, क्योंकि जो ट्रांसफर के लिए यहां से भेजेंगे वही दूसरे गोडाउन में पहुंचेगा, ठीक है, और क्वांटिटी भी सेम रहेगी। सैमसंग अब गोडाउन पूछा किस में ट्रांसफर करना, हमने लखनऊ पहले ही बना लिया था, लखनऊ में कितना, 15 पीस,
रेट वही, फिर सैमसंग 32 इंच, ये कहाँ जाएगा, ये भी लखनऊ में, कितना 5 पीस। फिर सोनी 50, ये कहाँ जाएगा, ये भी लखनऊ में, ये कितना है 5 पीस। इतना इंटर करने के बाद आप लोग नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर। ठीक है, देखिए लिख देते हैं, जैसे हम ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया बीइंग गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ। ठीक है दोस्तों, इतना आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप लोग कृपया वीडियो देखते रहें, कोई भी क्वेरी हो तो उसको व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करें, या फिर नीचे मैसेज में भी लिख सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।